हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने काफ़ी दिनों से ये शब्द नहीं सुने होंगे क्योंकि मेरे ब्लॉग आ नहीं रहे थे। अब क्यों नहीं आ रहे थे, मैं ब्लॉग बना क्यों नहीं रहा था, तो उसकी जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी कुछ भी है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे ब्लॉग में बताता रहूँगा, क्योंकि इसमें बताने जाऊँगा तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाए। ठीक है, तो आज का सबसे पहले आपको ब्लॉग के बारे में बता देता हूँ कि आज ब्लॉग में क्या है। तो अभी हमारे कॉलेज में जो डेज स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट, बॉलीवुड डे, ट्रेडिशनल डे, तो आज हमारा सबसे पहले तो ब्लैक एंड ब्लैक डे है। तो अभी जो हमारा जो कॉलेज का माहौल है ना, तो जो पहले ब्लॉग में होता था, सेकंड ईयर में जब मैं बनाता था तब कैसा था, अब अभी जो चेंज आया है ना, वो काफी बढ़िया चेंज आया है। चल झूठा। तो आपको ये ब्लॉग देखने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अभी हम कॉलेज जाते हैं, फिर बाद में सब डिटेल देता हूँ आपको, क्योंकि हमारा नया ग्रुप भी बन गया, पहले नहीं था, पहले हम इन मिनटिन ही थे, लेकिन अब तो हम ज्यादा हो गए हैं। तो मैं आपको कॉलेज जाते ही सब दिखाता हूँ। ठीक है, चलो तो अभी मिलते हैं सीधा कॉलेज। अभी हम घर से निकले ही थे, तो अभी कॉलेज अभी नहीं गए, अभी हम गार्डन में ही थे, जो स्विमिंग गार्डन है ना हमारा, वहाँ अभी फोटो सेशन चल रहा है सबका। फोटो सेशन खत्म हो फिर मैं आपको सबसे इंट्रो करवाता हूँ। आप तीन चार लोग को तो जानते हैं, लेकिन आगे जो भी नए आए हैं तो उनसे मैं आपको इंट्रो करवाता हूँ। ठीक है, तो अभी पहले माहौल दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ब्लैक एंड ब्लैक डे है तो काफ़ी ब्लैक सब दिख रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो। चलिए तो अभी सबसे मिलते हैं और सबका इंट्रो मैं कराता हूँ एक एक करके। ठीक है, चलो तो ये हमारे ग्रुप की नई मेंबर है मोना, हमारे लिए जादू, मतलब जादू टाइप ही है ना मोना। हाय। अभी मोना और इनको तो आप जानते हैं, ये हमारे मिलन भाव और ये हमारा अजय, जय फोटोग्राफर। हाँ, इसने काफी हेल्प की मेरी वीडियो बनाने में, तो ये हमारा फोटोग्राफर हुआ। थैंक यू जय भाई। और ये हमारे प्रतीक भाई, आपने काफी इनको व्लॉग में देखा भी होगा। ठीक है, तो अभी बचा कौन, अभी दो अभी मेंबर बाकी है, वो अभी फोटो सेशन से ऊंचे आए तब हम उनसे मिलते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी जो ग्रुप के हमारे नए मेंबर थे उनसे मिल लेते हैं। ये है मैं गर्ल बी लाइक, और जब से ये ग्रुप में आई है ना तब से सबसे ज्यादा हैरान मुझे इसने किया है, और किसी ने नहीं किया, इसने ही किया। वो मोना तो बेचारी शांत है, देव मानुष है ये तो। और हमारे लास्ट मेंबर, इनको तो आप जानते ही है, विशाल। पता चल गया कि विशाल नहीं, डन डन भाई, कंप्लीट, बस एक नंबर। तो अभी जो फोटो सेशन था वो हमारा खत्म, अभी लग जाते हैं फिर से अपने रेगुलर काम में, जैसे कि कौन सा प्रैक्टिकल में, क्योंकि 2 बजे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, तो अभी ये हमारा खत्म। ठीक है, अभी कॉलेज आपको दिखा रहा हूँ थोड़ी बहुत। ठीक है, चलो सरकारी विज्ञान कॉलेज। ये हमारा कैंपस बड़ा वाला, यहाँ पे हमने अपनी जिंदगी के 3-4 गुजार दिए, लेकिन कुछ नहीं आया। प्रैक्टिकल के मैडम थे हमारे, ये देखो ये हमारा जू है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे बंदर आते थे, गोरिल्ला, डायनासोर, बंदर, नीलगाय, सब कुछ यहाँ ही रहते हैं। यहाँ पे गुजरात में सबसे पहले डायनासोर के अंडे यहाँ पे ही मिले थे, आपको पता ना हो तो बता दूं मैं। वो भी उन दिनों जब हम 12th में थे तभी मिले थे इधर के। आपको सब कुछ प्राणी सब मिल जाएंगे यहाँ पे, मतलब ये आपको कॉलेज छोड़ के सब कुछ दिखेगा, सिर्फ कॉलेज नहीं दिखती। वो वाला बॉयज पार्किंग है, ये वाला लेडीज पार्किंग, क्या करे, जाने की इच्छा तो है, चले चले नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, आने जाने का भाड़ा और किराया बहुत है। कैंपस आपको दिख रहा है उतना ही बड़ा है, इसके पीछे भी है। ये शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ, ये शुरू के ही खत्म हो गया है, बस इतना ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, बस हो गया खत्म। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज इसी तक ही था। आयो भाई, आओ केंचे तो अड़ियो वॉलीबॉल कोर्ट है,
इंटरनेशनल प्लेयर आते हमारे जजों के इधर खेलने नहीं देते, नेशनल तो खेल ही नहीं सकते। और ये जो पूरा डिटेल में है ना, मैं आपको काफी एक दो वीडियो में दिखा दूंगा, इसमें हो सकेगा ना तो इसमें ही दिखाऊंगा, ठीक है? तो आप टेंशन मत लो, वो तो क्योंकि सेक्शन जो है ना वो हमारे इधर से स्टार्ट होके इधर लास्ट तक आते हैं, और जो हमारी केमिस्ट्री लैब है वो इधर है, वो लैब भी दिखाऊंगा आपको आगे आपने व्लॉग में देखी हो तो, वरना तो दिखा ही दूंगा, ठीक है? और ये जो सामने है ये इसके ऊपर सरकारी विज्ञान कॉलेज आपको दिख रहा होगा, वो विज्ञान कॉलेज हमारे प्रिंसिपल की ऑफिस है, उसके बाद जो में एडमिन की ऑफिस है, और ये जो डिपार्टमेंट है वो पूरा बॉटनी का, ये हमारा केमिस्ट्री का। और कॉलेज में इससे पहले हमने इतनी चहल पहल कभी नहीं देखी, आज ही देखने को मिल रही है, वरना कुछ दिख रहा नहीं। पहले तो हमें कुछ मतलब कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये लास्ट वाली है ना हमारी केमिस्ट्री की लैब है इधर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की। और यहाँ पे लास्ट में जाओगे तो ये फिजिकल वहाँ दिखेगा, फिजिकल तो आपको दिखाना क्योंकि अभी हम जाने ही वाली है, और ऑर्गेनिक का है वो मैं आके अभी आपको कभी दिखाऊंगा, ठीक है? भाऊ ये हमारे स्नेह भाऊ, अभी प्रैक्टिकल में हम साथ जाएंगे ही। ये रही लाइब्रेरी, लाइब्रेरी काफ़ी वैसे तो अच्छी है लेकिन हम तो कभी पढ़ने नहीं गए इसमें, लेकिन वैसे ऊपर भी है इसके तो लाइब्रेरी तो काफ़ी अच्छी है लेकिन हमने कभी पढ़ा नहीं। सो फिजिकल लैब है ना इसके पीछे आएगी, ये है कुछ पता नहीं होगा कुछ बाइसेक हॉल, हाँ बाइसेक हॉल है ये, इसके ऊपर जूलॉजी डिपार्टमेंट है और आगे तो फिजिकल लैब आ ही जाएगी। क्यों उर्वेश, उर्वेश भाई तो ये अपना जूलॉजी का डिपार्टमेंट, जूलॉजी का ऊपर है, ये सामने जो है ना ये माइक्रो वाला नीचे है, तो ये वाला माइक्रो वो उधर जितनी भी लास्ट तक बिल्डिंग है ना सब माइक्रो है, ये ऊपर जूलॉजी है, नीचे फिजिकल और केमिस्ट्री, सब केमिस्ट्री की आपको बाद में बताऊंगा। ये हमारे तुषार भाई जो खत्म हो गया मिलन अभी कर रहा है, मेरे और प्रतीक के हम दोनों के खत्म हो गए थे। आपको पता ही है कि प्रतीक तो हमेशा जल्दी में ही रहता है, पता नहीं किस बात की उसको जल्दी होती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं मुझे जाना है, नहीं मुझे 4 बजे से पहले जाना, 3 बजे छूटेंगे तो बोला कि 3:30 से पहले जाना है, पता नहीं होगा कुछ उसका, हम क्या कर सकते हैं। तो अभी हम वेट करते हैं मिलन आएगा अभी, क्योंकि मेघल विशाल मोना मिलन चारों का बाकी है, अभी मेरा ही खत्म हुआ और प्रतीक का, तो वो जैसे ही आते हैं तो फिर हम चाय पीने जाते हैं, फिर चाय पी के निकलते हैं घर, ठीक है? तो अभी प्रतीक को बाय बोल रहे थे, प्रतीक तो जा रहा है, उसको जल्दी छोड़ देती है, ठीक है? चलो प्रतीक आओ जो बाय, आओ जो तो आज का जो हमारा डे था वो खत्म हो गया, काफी हमें मजा आया, मतलब काफी मजा आ गया 3 साल में, अब अच्छा लग रहा है कि नहीं, काफी मजा आया हमें डे सेलिब्रेशन किए तो, पिछली बार भी थे लेकिन हम नहीं थे, हम घर पे थे तो डे सेलिब्रेट भी नहीं किया था और ज़्यादा लोग थे नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा था, तो इस बार तो काफ़ी FISI भी हो था तो फिर आज मज़ा आया, और लास्ट टाइम है तो मज़ा आएगा ही वैसे भी क्योंकि कॉलेज का लास्ट टाइम है, अभी थोड़ी टाइम में हम अलग भी हो जाएंगे सब, तो फिर सब कहाँ कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं, ठीक है? ठीक है, आज का जो बस व्लॉग है वो इतना ही है, अभी हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं थोड़ा थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ, मैंने देखा मेरे व्लॉग में अभी का ये जो व्लॉग है ना तो वो मैंने थोड़ा एडिटिंग चेंज किया, थोड़ा मतलब स्टार्टअप और वो सब अलग अलग चेंज किया, बीच वाला एंडिंग वाला, ठीक है? लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो है मेरी हिंदी, वो भी खराब की खराब ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, वो भी थोड़ा थोड़ा अपडेट होता रहूँगा और आपको अच्छी हिंदी भी दूंगा, अच्छी स्पीच दूंगा और अच्छी स्टोरी टेलिंग की ट्राई करूंगा कि कह सकूँ जितनी अच्छी, ठीक है? तो अभी मिलेंगे हम सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, और इसका जो एडिटिंग आपको पसंद आया होगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करो क्योंकि हम 400 अभी हम होने ही वाले हैं, तो 400 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है? चलिए अभी मिलते हैं सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, एवरीवन टेक केयर, बाय।